हाय ऑल ऑफ यू बच्चे, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। आज हम क्लास 11th की बात करेंगे। क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और आज हमारा टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। इसमें दो चीज़ें देख रहे हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदना और बेचना गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो जो ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड होते हैं और कंज्यूमर से कनेक्टेड होते हैं। तो ये बात यहाँ देखो, आप ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से माल लेके आ रहे हैं और आगे वो कंज्यूमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक लिंक का भी काम करते हैं। अब बात आती है कि ट्रेडर जो होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स है। दूसरी बात, हम ट्रेड को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो ट्रेड को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? जब आप खरीदेंगे या बेचेंगे गुड्स अपनी ज्योग्राफिकल कंट्रीज के अंदर, इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होलसेल ट्रेड जिसमें क्या होता है, आप खरीदेंगे और बेचेंगे लार्ज क्वांटिटी। होलसेल ट्रेड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, किससे, मैन्युफैक्चरर से। ओके, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, होलसेल मैन्युफैक्चरर से बहुत लार्ज क्वांटिटी माल खरीदते हैं और आगे वो किसको देते हैं, रिटेलर को। R फॉर रिटेलर, M फॉर मैन्युफैक्चरर एंड W फॉर होलसेलर। तो पहली बात तो जो होलसेलर होगा वो एक लाइन का प्रोडक्ट खरीदेगा, मतलब एक ही वैरायटी का सामान, और वो कैश में खरीदता है मैन्युफैक्चरर से लेकिन उधार में बेचता है रिटेलर को। होलसेल का काम करने के लिए बहुत लार्ज कैपिटल आपको चाहिए होती है। ओके, आगे बात करते हैं रिटेल ट्रेड क्या होता है। रिटेल ट्रेड की अगर हम बात करें, वहाँ पर आप खरीदते हैं बेचते हैं सर्विसेज या गुड्स कितनी स्मॉल क्वांटिटीज में। ओके, तो कहलाता है रिटेल ट्रेड। रिटेलर्स होलसेलर से माल खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है। रिटेलर के पास बहुत सारी वैरायटी रहती है गुड्स की। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपने देखा हैशटैग बच्चों, हैशटैग नेचो, हैशटैग गाओ, इस पेज तक के लिए। अभी हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, ट्रेड खत्म हुआ टू टाइप्स। अब हम आप बात करेंगे किसकी, अभी आपने इंटरनल ट्रेड पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इंटरनल ट्रेड, क्या होता है एक्सटर्नल ट्रेड? भाई, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं या आप गुड्स बेच रहे हैं लेकिन बियॉन्ड ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, इसका मतलब आपकी देश की सीमाओं को लांघ कर जाओ, दूसरी सीमा में जाके बेचेंगे माल, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इट मीन्स यू आर सेलिंग द गुड्स टू द अदर कंट्रीज। ओके, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ट्रेड होता है इसमें दो या दो से अधिक कंट्रियों में। रूल्स रेगुलेशन बहुत सारी फॉलो करने पड़ते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, काफ़ी सारे नियम्स आपको पूरे करने पड़ते हैं। अब बात आती है एक्सटर्नल ट्रेड के भी टाइप्स है, एक है एक्सपोर्ट, एक है इम्पोर्ट, एक है एंट्रीपोर्ट। आइए देखते हैं एक्सपोर्ट क्या होता है। जब आप यहाँ पर बना हुआ माल किसी दूसरे देश में बेचेंगे उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जब दूसरे देश का माल आप बना हुआ खरीदेंगे उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने स्टार लगा रखा, व्हाट इज एंट्रीपोर्ट? एंट्रीपोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, नॉट फॉर द कंजप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप कंजप्शन नहीं करते हैं, वापस खरीद के बेचते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बांग्लादेश से कुछ आप चीज लेते हैं, भारत में उसको आप रखते हैं और उसी को आप श्रीलंका बेच देते हैं। तो यू कैन से इंडिया हैज नॉट टेकन द गुड्स फॉर द कंजप्शन बट इट हैज इम्पोर्ट फ्रॉम द बांग्लादेश एंड एक्सपोर्ट टू द श्रीलंका। तो हेयर द मीनिंग एंट्रीपोर्ट इज क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों, हैशटैग नेक्स्ट वीडियो एड्स टू ट्रेड का आप तैयार रहिए। हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ, प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, स्टेटस लगाइए, सबको भला कीजिए, सबको पढ़ने दीजिए बिजनेस स्टडीज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।